सो नाउ इन मेजरिंग रिस्क व्हाट बेटा मेजरिंग रिस्क क्लासिफिकेशन इज व्हाट फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन देन बीटा एंड देन आर स्क्वायर्ड सो वी विल गोइंग टू स्टडी स्टेप बाय स्टेप सो फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन राइट फर्स्ट व्हाट वी विल स्टडी स्टैंडर्ड डेविएशन सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट इट्स अ टोटल रिस्क क्या बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट टोटल रिस्क में सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क सब आ जाता है चाहे मार्केट रिस्क हो चाहे अनसिस्टमेटिक रिस्क हो एवरीथिंग तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स व्हाट डिस्पर्शन इन रिटर्न डिस्पर्शन बराबर है इट मेजर्स व्हाट डिस्पर्शन इन रिटर्न तो सिंपल सा फंडा है समझो एक एग्जांपल ले लो अगर आपका एवरेज रिटर्न है 10% कोई फंड आपको एवरेज रिटर्न 10% देता है कितना परसेंट 10% और उस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है समझो कितना 15% है कितना परसेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन 15% इट मींस व्हाट या तो ये फंड आपको 15% नेगेटिव रिटर्न देगा और या फिर ये जो फंड है वो आपको 15% पॉजिटिव रिटर्न देगा सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 15% मालूम पड़ता है इट मींस व्हाट कि एवरेज रिटर्न कितना आपका 10% है ना एवरेज आपको मीन आपका क्या है मीन रिटर्न 10% तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है इसका मतलब क्या हो गया कि आपको या तो 15% डाउन मिलेगा रिटर्न या तो 15% अप मिलेगा बराबर है मार्केट फॉल हुआ तो 15% डाउन भी जा सकता है मतलब इतना नीचे भी जा सकता है और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो 15% ऊपर भी आपको रिटर्न मिल सकता है बराबर है कि नहीं मालूम पड़ा क्लियर है कि नहीं अब इधर समझो ना ये 10% था 15% डाउन गया मतलब आप -5% में चलेंगे और इधर ऊपर गया अगर ग्रोथ हुआ अगर अच्छा रिटर्न हो रहा है मिल रहा है मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको 25% तक रिटर्न मिलेगा 10 है प्लस 15 25% सो ये सब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मेजर करता है डिस्पर्शन इन रिटर्न तो ये क्या हो गया दिस इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट डिस्पर्शन इन रिटर्न याद रखना और ये बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट इट्स अ टोटल रिस्क ये क्या बेटा टोटल रिस्क ऑफ अ म्यूचुअल फंड जो भी टोटल रिस्क है ना किसी भी म्यूचुअल फंड का राइट है दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल रिस्क ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखना सो टोटल रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टोटल रिस्क रिमेंबर इट ठीक है सो टोटल रिस्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्ड बाय व्हाट बेटा मतलब टोटल रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड इज मेजर्ड बाय व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है तो टोटल रिस्क कोई भी फंड का टोटल रिस्क आप मेजर कर सकते हो किसके थ्रू एसडी के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू गॉट इट राइट है और याद रखने का टोटल रिस्क मतलब क्या मार्केट रिस्क आ गया सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्क आ गया बेटा पोर्टफोलियो रिस्क आ गया एवरीथिंग इज देयर राइट दैट इज व्हाट टोटल रिस्क वेदर इट इज सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क टोटल रिस्क में ऑल विल बी इंक्लूडेड ऑल समझा याद रखने का तो देखो जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो अच्छे से याद रखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर क्या बोलता है देखो इट मेजर्स द डिग्री टू विच रिटर्न्स फ्लक्चुएट अराउंड इट्स एवरेज देखो ये जितना भी पॉइंट्स है उसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स और नोट्स में आएगा तो पूरा लिखना ही पड़ेगा आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स व्हाटएवर इट मेजर व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द डिग्री टू विच रिटर्न्स फ्लक्चुएट अराउंड इट्स एवरेज ये क्या मेजर करता है बेटा डिग्री टू विच रिटर्न फ्लक्चुएट अराउंड इट्स एवरेज अभी बताया ना मैंने कि एवरेज 10% है बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन 15% हुआ इसका मतलब 15% डाउन भी जा सकता है आपका और 15% अप भी जा सकता है ठीक है सो दिस इज व्हाट इट मेजर्स द डिग्री टू विच रिटर्न फ्लक्चुएट अराउंड इट्स एवरेज दैट यू हैव टू रिमेंबर राइट है दिख रहा है अराउंड इट्स एवरेज ये एवरेज है दिस इज व्हाट ये आपका एवरेज है ओके क्या बेटा ये दिया ना इधर ये एवरेज है दिस इज व्हाट एवरेज बराबर है ये एवरेज है आपका कितना 10% ये आपका एवरेज है अब इसी एवरेज के अराउंड आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है मतलब ये एवरेज 10 है तो 15% डाउन भी जा सकता है 15% अप भी जा सकता है
मतलब 15% से डाउन भी हो सकता है और 15% से अप भी हो सकता है, ठीक है। तो 15% से अगर डाउन जाएगा, देखो एवरेज अगर आपका कितना है, इफ योर एवरेज इज व्हाट, इफ योर एवरेज रिटर्न इज व्हाट 10%, अगर ये आपका एवरेज है, किधर गया, ये आपका 10% अगर आपका एवरेज है, इट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 15% है, इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन 15% है मतलब ये जो फंड है वो 15% बिलो भी आपको रिटर्न दे सकता है, एवरेज से 15% बिलो और 15% हायर भी दे सकता है, दैट्स इट, सिंपल फंडा, राइट है। 15% बिलो हुआ मतलब क्या हो जाएगा, -5%, और 15% अबव हुआ तो 25% तक पहुंच जाएगा रिटर्न, ऐसा बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो एक क्राइटेरिया मेजर कर रहा है बेटा, याद रखना। सो इट मेजर व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स व्हाट बेटा, द डिग्री टू विच रिटर्न्स फ्लक्चुएट अराउंड इट्स एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना बेटा, क्लियर है, समझ गया, ये याद रखो। देन क्या बोल रहा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरह से क्या है, आपका स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस है, जो कि पहले भी देखा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में भी सॉल्व किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज व्हाट, स्क्वायर रूट, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, डिफाइंड एज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस। वेरियंस मतलब जो चेंजेस होते हैं वो पता ही है बेटा आपको। द हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सबसे मेन है याद रखना, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हायर है, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हायर इज द वोलेटिलिटी, राइट, क्लियर, व्हाट बेटा, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होगा, वोलेटिलिटी विल बी हायर, वोलेटिलिटी, हायर इज द वोलेटिलिटी और रिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, बराबर है। अभी यही स्टैंडर्ड डेविएशन समझो आपका 15 की जगह पे 25% होगा, तो 25% हुआ मतलब वोलेटिलिटी आपके 25% से बढ़ जाएगी, मतलब आपका जो रिटर्न है वो मीन रिटर्न से, मीन मतलब समझो 10% है, तो उससे 25% डाउन भी हो सकता है, 25% डाउन भी हो सकता है और 25% अप भी जा सकता है, सो वोलेटिलिटी विल बी मोर ना। सो रिमेंबर इट, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हायर इज द वोलेटिलिटी, हायर इज द वोलेटिलिटी और रिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रिमेंबर इट, ठीक है। तो याद रखना बेटा, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हायर इज द वोलेटिलिटी और रिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, समझा वो पॉइंट, याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन हायर है तो वोलेटिलिटी विल बी व्हाट, हायर, वोलेटिलिटी विल बी हायर और रिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विल बी हायर, दैट्स इट, ये याद रखना बेटा। देन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट, द फंड विद द लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बेटा, द फंड विद द लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी मोर ऑप्टिमल, व्हाट, the fund with the lower standard deviation would be more optimal because it is maximizing the return received for risk acquired. ab lower standard deviation hai to wo optimal mana jata hai, right, the fund with the lower standard deviation would be more optimal because it shows, it indicates low volatility, volatility kam hoga na, abhi yahi standard deviation agar aapka 5% hoga to aapka jo फंड का रिटर्न है वो 5% से डाउन हो सकता है, 5% से डाउन हो सकता है और 5% से अप हो सकता है, मतलब वोलेटिलिटी कम है, वोलेटिलिटी कम है, और वोलेटिलिटी जिधर कम है तो नॉर्मल सी बात है, द फंड विद द लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी मोर ऑप्टिमल बिकॉज इट इज मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न, इट इज मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न रिसीव फॉर रिस्क एक्वायर्ड, इट इज मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न रिसीव फॉर रिस्क एक्वायर्ड, कितना रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपको जो भी रिटर्न मिलेगा, बराबर है। So, याद रखो, द फंड विद द लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी मोर ऑप्टिमल, दैट इज लेस वोलेटिलिटी होगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होगा टोटल रिस्क हायर होगा, उतना आपका मीन, देखो जो रिटर्न है वो डाउन होने का चांसेस ज्यादा होगा तो अप होने का भी चांसेस होगा, वोलेटिलिटी तो यही है ना बेटा, या तो डाउन होगा या तो अप होगा, दैट इज व्हाट वोलेटिलिटी, राइट। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज डायरेक्टली व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस व्हाट, बराबर है कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो नॉर्मल सी बात है वोलेटिलिटी भी हाई है, स्टैंडर्ड डेविएशन लो है तो वोलेटिलिटी भी लो है। तो ये सब पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए,
समझा कि नहीं, कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स डिस्पर्शन इन रिटर्न, बराबर है टोटल रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन व्हाट टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक एज वेल एज अनसिस्टमैटिक सब रिस्क आ गया इसमें. सो टोटल रिस्क, द टोटल रिस्क ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. इट मेजर्स द डिग्री टू विच रिटर्न फ्लक्चुएट अराउंड इट्स एवरेज. एवरेज मतलब मीन रिटर्न के बराबर है, नियर बाय जो भी अराउंड फ्लक्चुएट होता है. जैसे ये एग्जाम्पल बताया मैंने लाइक दिस, मीन रिटर्न 10% है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, तो कैसा आपका मूव होगा, ठीक है, वेरिएट कैसा होता है, फ्लक्चुएट कैसा होता है, बराबर है. मालूम पड़ा, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर इज द वोलेटिलिटी. इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज हायर देन वोलेटिलिटी विल बी हायर और रिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन, हायर स्टैंडर्ड डेविएशन हायर इज द वोलेटिलिटी और रिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. दैट्स इट. लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी मोर ऑप्टिमल, याद रखो, ठीक है. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, याद रखना ये. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ फंड मेजर द रिस्क, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ फंड मेजर्स द रिस्क बाय मेजरिंग द डिग्री टू विच द फंड फ्लक्चुएट इन रिलेशन टू इट्स मीन रिटर्न. ये तो पहले बता दिया कि रिस्क मेजर करता है एज कंपेयर टू इट्स मीन रिटर्न. बताया था ना मैंने अभी कि भाई अगर मीन रिटर्न आपका कितना है 10 है, 10% और स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा कितना 15%. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15%. ये देखो ये 10% आपका क्या हो गया, दिस इज व्हाट मीन रिटर्न, व्हाट दिस इज व्हाट मीन रिटर्न. और आपको क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 15% है, तो इट मींस व्हाट, ये जो फंड है वो आपको 15% डाउन रिटर्न दे सकता है, 15% से डाउन भी हो सकता है और 15% से अप भी जा सकता है, अप. तो वही चीज है ना बेटा. फॉर इंस्टेंस में देखो, इफ एन इक्विटी फंड हैज गिवन 10% रिटर्न ऑन एन एवरेज, सो दिस इज व्हाट एवरेज, ये आपका क्या था बेटा, दिस इज व्हाट योर एवरेज, ठीक है, ये आपका एवरेज है, ठीक है. तो ये एवरेज है 10%, बराबर है, मालूम पड़ा 10% रिटर्न ऑन एन एवरेज विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15% है. इट मीन्स वो या तो मीन रिटर्न से 15% डाउन भी जा सकता है, 15% से कम भी हो सकता है और 15% से अप भी हो सकता है, वो वोलेटिलिटी हो गई, राइट है, दैट इज व्हाट वोलेटिलिटी. इट मीन्स इट्स रेंज कैन बी व्हाट, इसका रेंज क्या हो सकता है. अभी 15% से डाउन होगा मतलब कितना हो जाएगा, -5%, और 15% से अप होगा तो क्या हो जाएगा, 25%. कैसे, 10% तो मीन है, एवरेज है, 15% से डाउन हो गया तो क्या हो गया, -5% आया कि नहीं, कितना आया, -5%. और अगर 10% है मीन एवरेज रिटर्न 10% है और 15% से अप हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 15% है, इसका मतलब 15% से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, रिटर्न आ गया 15% ज्यादा, ठीक है, तो कितना हो गया 25%. सो दैट कैन बी 25%. इट मींस फाइनली इफ एन इक्विटी फंड हैज गिवन 10% रिटर्न ऑन एन एवरेज with a standard deviation of 15%. So its range of return can be -5 to 25%. Simple. Right? Clear? Kaise? Idhar dekho. It means if standard deviation is 15%, then returns can go up by 15%. Barabar hai? Standard deviation 15% hai. Iska matlab kya? Jo returns hai, returns can go up by 15%. 10% to average tha. अब एवरेज से क्या हो सकता है, वो 15% ज्यादा भी जा सकता है. तो 15% ज्यादा जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा बेटा, 25%. और रिटर्न्स कैन गो डाउन बाय 15%, गो डाउन बाय 15%, डाउन भी हो सकता है 15% से. तो 15% से डाउन हो गया तो क्या हो गया, -5 हो जाएगा ना फिर, तो -5. तो वही तो है, दैट इज द रेंज, -5 to 25%, वही रेंज हो गया, बराबर है, मालूम पड़ा. And one thing is what? One more thing. If any mutual fund, याद रखना, if any mutual fund gives stable performance, अगर याद रखो, कोई mutual fund आपको stable performance देता है, अगर stable performance है, volatility बहुत कम है, stable performance, stable, not a table, stable performance दे रही है, give stable performance, याद रखना, अगर stable performance दिया, it means what? Then their standard deviation can also be zero. अरे भैया, stable performance दे रहा, stability है,
वोलेटिलिटी है ही नहीं, वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, राइट है. स्टेबल परफॉर्मेंस, इफ एनी म्यूचुअल फंड गिव स्टेबल परफॉर्मेंस देन देयर स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी जीरो ऑल्सो, राइट है. स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी जीरो ऑल्सो ना बेटा, सिंपल फंड है एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी जीरो ऑल्सो, रिमेंबर इट, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है. If any mutual fund gave what stable performance, then their standard deviation can be zero also. तो ये आपका standard deviation से related था. ये सारे point याद रखना बेटा, भूलना नहीं, ठीक है. अगर stable performance है तो standard deviation normal सी बात है कम होगा और can be zero also. ऐसे तो इतना stability होता नहीं, but फिर भी याद रखना, stable performance होगा तो standard deviation can be what zero or low also. Right? Volatility कम होगा ना. अगर परफॉर्मेंस स्टेबल है तो भाई नॉर्मल सी बात है, परफॉर्मेंस स्टेबल है तो भाई आपका जो एसडी रहेगा वो ज्यादा होगा ही नहीं, इट कैन बी जीरो आल्सो, है कि नहीं. सो दीज ऑल पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बीटा. बीटा है क्या बेटा? बीटा इज अ मेजर ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फंड, रिमेंबर इट. तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट बीटा. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बेटा? टोटल रिस्क. स्टैंडर्ड डेविएशन इज वो टोटल रिस्क, जिसमें सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों रहता है. बीटा में क्या होता है? ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब सिर्फ मार्केट रिस्क, बराबर है. ये मार्केट रिस्क को ही मेजर करता है, याद रखना. सो बीटा इज अ मेजर ऑफ व्हाट? वोलेटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फंड. इट्स अ मेजर ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फंड इन कंपेरिजन टू द मार्केट. कंपेरिजन करेगा टू द मार्केट एज अ होल, दैट इज the extent to which the fund's return is impacted by market factors. जो fund का return है वो कितना impact हो रहा है due to market factors. जो market factors है उससे कितना impact हो रहा है fund के return पे. तो ये market risk की वजह से होता है. Market risk ज्यादा रहेगा तो भाई normal सी बात है affect तो होगा, वो सब beta आपको show करेगा. तो market risk मतलब क्या? Systematic risk. इसको control नहीं कर सकते आप, cannot be controlled. मार्केट रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते, सिस्टमैटिक रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते. अनसिस्टमैटिक रिस्क आप कंट्रोल कर सकते हो, बट सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल, पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड है, राइट है. मार्केट रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा, याद रखना. जो मार्केट का रिस्क है वो मेजर्ड होता है किससे? बीटा से. और नॉर्मली बीटा ऑफ द मार्केट, बीटा ऑफ द मार्केट और बेंचमार्क इज ऑलवेज टेकन एज वन, बराबर है. बीटा ऑफ द मार्केट और बेंचमार्क जो बोलते हैं वो टेकन, ऑलवेज टेकन एज वन. फॉर्मूला याद रखने का, बीटा का फॉर्मूला क्या बेटा? फॉर्मूला, अगर बीटा आपको कैलकुलेट करना है तो कोवेरियंस, जो कोवेरियंस है बिटवीन इंडेक्स रिटर्न, जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, कोवेरियंस बिटवीन इंडेक्स रिटर्न एंड म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न. कोवेरियंस बिटवीन व्हाट? इंडेक्स रिटर्न एंड म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न डिवाइडेड बाय व्हाट? वेरियंस इन इंडेक्स रिटर्न, याद रखना फॉर्मूला. बीटा आपको कैलकुलेट करना है तो कोवेरियंस इन what? Covariance between what? Index return and mutual fund scheme return. Index return or mutual fund scheme return ko measure karo. Relation show karega beta. To covariance between index return and mutual fund scheme return divide by variance kitna hai index return. Barabar hai? To usse aapko beta calculate hoga. Kya hoga beta? Beta. Aur isme beta mein bhi yaad rakho. Agar one hai. बीटा क्या है बेटा? अगर वन है बीटा, अ बीटा ऑफ वन इंडिकेट दैट द फंड एनएवी विल मूव इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स. अगर वन है मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है. जैसा बेंचमार्क इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब वैसा ही आपका फंड का एनएवी मूव करेगा, दैट्स इट. बीटा अगर लेस देन वन है तो बेटर मानते हैं कि बीटा लेस देन वन इंडिकेट दैट फंड एनएवी विल बी लेस वोलेटाइल, वोलेटिलिटी कम है. लेकिन अगर बीटा अगर मोर देन वन हो गया ना बेटा तो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, बराबर. और भी बहुत सारे केस है इसके लिए, और भी है कि ऐसा नहीं है कि बीटा अगर नेगेटिव होगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट उसके लिए और डिटेल में जाना पड़ता है. तो फिलहाल अभी बेसिक देखो. अब बीटा देखो, अब बीटा ऑफ मोर देन वन इंडिकेट दैट द इन्वेस्टमेंट विल बी मोर वोलेटाइल. वन से ऊपर गया तो मोर वोलेटाइल. कंजर्वेटिव इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन म्यूचुअल फंड स्कीम विथ लो बीटा. जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है वो लो बीटा जिधर रहेगा ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम पे फोकस करो. और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है
कैन ऑप्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम विच हैव हायर बीटा वैल्यू फॉर हायर रिटर्न्स, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो भाई नॉर्मल सी बात है रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा होगा, दैट्स इट, बराबर है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं बेटा, मोर देन वन बीटा जिसका हायर रहेगा उसको देखते हैं, क्योंकि उनको हायर रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हायर रिस्क भी लेना पड़ेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, वोलेटिलिटी विल बी मोर, है कि नहीं। तो याद रखने का ये पॉइंट, ठीक है, बीटा वन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मोर देन वन होगा तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, लेस देन वन होगा तो लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो ये थोड़े पॉइंट बेसिक है, याद रखना, बराबर है, मालूम पड़ा। और भी बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बीटा में, बराबर है, पूरा।